किसी बस्ती में रहने वाला एक गरीब लड़का जिसके घर टॉयलेट तक नहीं था, पर शायद ही उस लड़के को पता था कि आगे चलकर न केवल वो भारत का सबसे मशहूर रैपर बनेगा बल्कि शाहरुख खान तक का रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो आइए जानते हैं अल्ताफ शेख के MC स्टैन बनने तक के सफर के बारे में। साल 1999 में पुणे के एक गरीब बस्ती में अल्ताफ शेख या MC स्टैन का जन्म हुआ, जहां उनकी परवरिश अपने बड़े भाई के साथ हुई। शुरुआती दिनों से ही अल्ताफ को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस बस्ती में उनकी परवरिश हुई उसमें टॉयलेट और बाथरूम तक नहीं था, जिसकी वजह से उनको टॉयलेट जाने के लिए भी घंटों लाइन लगना पड़ता था। बचपन से ही अल्ताफ काफी ज्यादा शरारती थे, इसलिए कभी भी उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा। एक बार MC स्टैन के बड़े भाई ने उनको अमेरिकन रैपर 50 सेंट की एक म्यूजिक वीडियो दिखाई। इस वीडियो को देखने के बाद अल्ताफ 50 सेंट की उस वीडियो से काफी ज्यादा प्रभावित हुए, जिसने आगे चलकर उन्हें रैपिंग करने के लिए इंस्पायर भी किया। भाई के सबको मेरी क्यों बातें नहीं पचती, बातें ना पचती तो बातें ना तेरे बस की, जहाँ पे मैं रहता उसको बोलते हिप हॉप बस्ती, रियल कैसे रहू ये बात ना समझती, करता मैं लाखों की बातें नहीं सस्ती। जिसके बाद MC स्टैन ने रैपिंग साइफर में जाना शुरू किया। रैपिंग साइफर एक तरह का ऐसा ग्रुप होता है जहाँ स्ट्रीट रैपर्स बीट बॉक्सर अपनी स्किल्स सड़क पर ही दिखाते हैं। जिसके बाद जाकर उन्होंने 14 साल की उम्र में ही अपना पहला गाना बलती पब्लिक लिखा, पर वो गाना कभी लॉन्च नहीं हो पाया। और आखिरकार जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह से रैपर बनने में ही कॉन्सेंट्रेट किया और अपना नाम अल्ताफ शेख से MC स्टैन यानी माइक कंट्रोलर स्टैन रख लिया, जिसमें से स्टैन वर्ड का मतलब आधा फरिश्ता और आधा शैतान होता है। एक दिन MC स्टैन एक साइफर अटेंड करने मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने परफॉर्म किया, पर वहां मौजूद कुछ रैपर्स एमिवे और डिवाइन ने उनकी हंसी उड़ाई। उस टाइम पर एमिवे भी एक नए ही रैपर बने थे, जिसके बाद जाकर MC स्टैन ने अपनी इस बेइज्जती का बदला डिस्ट्रैक सॉन्ग लॉन्च करके दिया। इस सॉन्ग में MC स्टैन ने एमिवे और डिवाइन दोनों को ही करारा जवाब दिया। उसके पलट जवाब में भी एमिवे वनटाए ने समझ में आया क्या गाना लॉन्च किया, और MC स्टैन तू मेरे छाटे पे। जिसके बाद पूरी इंडिया में MC स्टैन के हेटर्स बढ़ते चले गए। एक तरफ एमिवे के फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे थे, वहीं MC स्टैन को सब नापसंद करने लगे। उस टाइम पर MC स्टैन के फॉलोवर्स भी कुछ खास नहीं थे, और जब भी MC स्टैन एमिवे को जवाब देने के लिए कोई भी रैप सॉन्ग बनाते थे तो उसको बहुत ज्यादा हेट मिलती थी और लोग उनके लुक्स और फैशन के लिए उनका अक्सर मजाक बनाते रहते थे। हालांकि MC स्टैन ने इन हेटर्स की एक भी ना सुनी और अपना काम पूरी शिद्दत से करते गए। इसी बीच MC स्टैन ने एक गाना लॉन्च किया, एक दिन प्यार। जिसने MC स्टैन के लिए सब कुछ बदल दिया। इस सॉन्ग को काफी ज्यादा पसंद किया गया और आज तक जो उनके हेटर्स थे उनके काम की ही वजह से धीरे धीरे उनके फैंस में बदलने लगे। इस रैप सॉन्ग को YouTube पर 92 मिलियन से भी ज्यादा अब तक व्यूअरशिप मिल चुकी है। जिसके बाद MC स्टैन फिर कभी रुके ही नहीं और 2022 में गाना स्नेक लॉन्च कर दिया, जो कि काफी ज्यादा हिट हुआ और दिन पर दिन MC स्टैन के फॉलोअर्स बढ़ते चले गए। MC स्टैन की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखकर इन्हें इंडियन फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 16 में एज अ कंटेस्टेंट बुलाया गया, जहां शुरुआती दिनों में तो MC स्टैन इतना एक्टिव नहीं दिखे, पर धीरे धीरे उनको ये समझ में आने लगा कि इस गेम को खेलना कैसे है। बिग बॉस में MC स्टैन की दोस्ती शिव ठाकरे, साजिद खान और अब्दुल रोजिक से हुई। अगर आप अब्दुल रोजिक की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां चारों की जोड़ी को मंडली के नाम से बुलाया गया और फैंस ने उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया, इसीलिए उन्हें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक ने सपोर्ट किया। स्नेक से याद आया, जिसका सुपर हिट गाना था स्नेक। बाप रो MC स्टैन।
एमसी स्टैन अपने हिप हॉप का हीरो है। यहाँ तक कि उनके दुश्मन कहे जाने वाले एमीवे बंटाए ने भी उन्हें अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सपोर्ट किया। उनकी यही पॉपुलैरिटी और बड़ी फैन फॉलोइंग ने ही आखिरकार जाकर उन्हें बिग बॉस 16 का विनर भी बना दिया। और बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के अगले दिन ही एमसी स्टैन इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जहां उनकी लाइव वीडियो को 5,41,000 लोग ने ज्वाइन किया, जिसने पूरी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड सेट किया। यहां तक कि शाहरुख खान का 2,55,000 व्यूज का लाइव स्टोरी का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया, जिससे ये बात तो बिल्कुल तय है कि एमसी स्टैन की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एमसी स्टैन इस वक्त सिर्फ 23 साल के ही हैं और इतनी कम उम्र में ही इतनी ज्यादा सफलता चूमना बहुत बड़ी बात है। तो अब बस देखना ये है कि आगे आने वाले सालों में एमसी स्टैन क्या क्या कमाल करके दिखाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।